एक्चुअली वहाँ पे ना अभी यूएस में ये और एक ट्रेंड है कि काफी सारे ऐसे मेडिटेशन टूर्स प्लान होते हैं डेनवर में, कोलोराडो में, एस्पेन में, इट्स माउंटेन. अ फ्रेंड ऑफ माइन शी एक्चुअली वेंट टू नेपाल और वो सारा जो नेपाल के लोग थे जो आई थिंक मॉन्क्स कहते हैं उन्हें, तो उन्होंने ही खुद वो सारा मैनेज किया हुआ था. वो टिकट भी आपको फ्री देते हैं और वीजा तो आई थिंक आपको चाहिए नहीं होता. सो शी टोल्ड मी कि 15-20 दिन उस मेडिटेशन में आप किसी से बात नहीं कर रहे होते, एक पहाड़ जैसी जगह है वहां पर, ऑर्गेनिक खाना आपको दे रहे होते हैं, लाइट नहीं होती, हाँ, फोन भी नहीं होता, एग्जैक्टली लाइट नहीं होती, और बड़ा नेचर से करीब, खाना और सारी चीजें ना बड़ी ऑर्गेनाइज्ड, एंड देन यू एक्चुअली गो इनटू सेल्फ रियलाइजेशन मोड कि यार अच्छा ये सारी चीजें पहले दो तीन दिन तो हर चीज आपको फील हो रही होती, साउंड पत्ते की साउंड, यू नो बारिश अगर हो रही है पानी की साउंड, वो इतनी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए. हम आई थिंक उस चीजों से बहुत ज्यादा दूर हो गए. अब क्या आप ट्रैफिक की साउंड सुन रहे होते हैं?